नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण के लिए कोई सार्वजनिक सभा नहीं होगी, लेकिन हां, प्रत्याशी और उनके स्टार प्रचारक अगले 48 घंटे तक घर घर जाकर वोट जो है वो जरूर मांग सकेंगे। दूसरे चरण में यूपी, एमपी समेत 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इन सीटों पर 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। दूसरे चरण में राहुल गांधी के वायनाड के अलावा यूपी की 8 सीटों पर सबकी नजर होगी। मेरठ में अरुण गोविल और मथुरा से हेमा मालिनी सहित 1206 प्रत्याशी मैदान में होंगे। तो आज से थमेगा दूसरे चरण का मतदान, लेकिन जो प्रत्याशी हैं डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे और अपने लिए वोट जो है वो मांग सकेंगे। तो वहीं दूसरे चरण में कई वीवीआईपी मैदान में हैं। तो यूपी की 8 सीटों पर मतदान है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, जिसको लेकर जो है प्रत्याशी अपनी तैयारी कर रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। बता दें कि आज शाम 5 बजे जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा, लेकिन जो प्रत्याशी हैं डोर टू डोर जो है प्रचार डोर टू डोर वोट जो है वो मांग सकेंगे। बता दें कि यूपी की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन सिंह सीधे जुड़ गए हैं। पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, यदि बात करें आज चुनाव प्रचार जो है शाम 5 बजे थम जाएगा, लेकिन जो प्रत्याशी हैं अपने लिए डोर टू डोर वोट मांग सकेंगे। वहीं 26 अप्रैल की बात करें, 26 अप्रैल को 8 सीटों पर मतदान होना है। जी बिल्कुल कविता, 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसका चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा, लेकिन जो प्रत्याशी हैं उनके जो स्टार प्रचारक हैं ये सभी लोग डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं, लोगों से व्यक्तिगत मिल सकते हैं। इसके लिए प्रचार लगातार जारी रहेगा 48 घंटे तक, लेकिन पहले चरण के चुनाव के बाद जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है, इसको लेके जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो सभी लोग चिंतित हैं कि जो मतदाता है वो क्यों नहीं निकल रहे, इसका मूल कारण क्या है। इसके लिए लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं, अपने लोगों को लगा रहे हैं बूथ स्तर तक, सभी को चौकन्ना कर रहे हैं, ताकीद कर रहे हैं कि मतदाताओं को निकाला जाए, जिससे मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सके। क्योंकि जो मत प्रतिशत अगर गिरेगा तो उसमें सभी का नुकसान होगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि किस पार्टी के जो है मत कम निकल पा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। चूंकि इस बार का जो चुनाव है वो पूरी उस उत्साह से नहीं है, किसी को हराना है, किसी को जिताना है, सामान्य स्तर का जो चुनाव है उस तरह से चल रहा है। कल ये आज शाम को जो चुनाव प्रचार थमेगा करीब 8 लोकसभा क्षेत्रों के लिए, इसमें करीब 1200 से ज्यादा प्रत्याशी हैं। मेरठ से अरुण गोविल और मथुरा से हेमा मालिनी इस बार चुनाव मैदान में हैं। जी बिल्कुल पवन, आपने कहा कि जो वोट परसेंटेज है वो घटा है, वाकई घटा है। और जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग ने लू की भी चेतावनी दी है। तो जो जो माफ कीजिएगा, जो मतदाता है उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है जब वो वोट देने जाएंगे गर्मी से बचाने के लिए? देखिए अभी तक चुनाव आयोग ने जितना भी हो सकता है बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, वहाँ पानी पीने की व्यवस्था है, जो विकलांग है उनके रैंप की व्यवस्था है, वहाँ ऊपर शेड की व्यवस्था, और ज्यादातर मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं वो कहीं न कहीं विद्यालय में या किसी घर में ऐसे जगह पे बनाए गए हैं जहाँ पे इसका असर कम होगा। लेकिन इसके अलावा भी बाहर जो लोग मतदान के लिए आते हैं, जिनको लाइन में लगना होता है, वहाँ पर भी शेड की व्यवस्था जो है चुनाव आयोग करा रहा है, पानी पीने की व्यवस्था करा रहा है, से लोगों को असुविधा ना हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी अगर मतदाता नहीं निकल रहे हैं तो इसके लिए कहीं न कहीं से कुछ न कुछ जिम्मेदारी सबकी है, हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो ये चीजें बनेंगी। लेकिन पहले चरण के चुनाव में देखा गया है कि जो मतदान प्रतिशत है गिरा है, उसको लेकर के चुनाव आयोग भी चौकन्ना है, और जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने आप को बिल्कुल सजग हैं। और इस बार सभी को ये ताकीद किया जा रहा है कि मतदाता घरों से निकले, और उनके लिए भी व्यवस्था बनाई जा रही है कि जो दूर है उनके लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था, मतदान केंद्र से 100 मीटर दूर तक गाड़ी जा सकती है, जिससे मतदाता वहां तक पहुंच सकते हैं। इस धूप में अगर कोई असुविधा होती तो उनको गाड़ी की सुविधा प्रोवाइड करा जा रही। जी बिल्कुल पवन, यदि बात करें 26 अप्रैल को अमरोहा में भी चुनाव होने हैं, और खबर यह भी आ रही है कि जो इंडिया गठबंधन है उनमें कुछ विवाद की स्थिति बनी है,
देखिए वो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वहां बैठने को लेकर के थोड़ी विवाद हुई थी, लेकिन विवाद क्या है कि बहुत सारी ऐसी जो है कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है जिसपे छोटी छोटी बात को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन इस तरह का कोई बड़ा विवाद नहीं है। अब चूंकि मात्र अब कुछ घंटे बचे हैं चुनाव प्रचार के लिए, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं बन पा रही। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, बाकी सभी लोग व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, घर में जा करके पर्सनल कन्विंस कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, मुलाकात करके उनको समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन कहीं से कोई जनसभा, कहीं से कोई रोड शो, इस तरह की कोई बात अब 5 बजे के बाद नहीं होगी। जी बिल्कुल पवन, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।